अक्सर विवादों में रहने वाला जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक बार फिर विवादों में है, और इस बार का विवाद छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि कैसे बोर्ड की लापरवाही ये साबित कर रही है कि पेपर चेक करने में बोर्ड कितना संजीदा है। तस्वीरों में दिखाई जा रहे नोटिस को जरा गौर से देखिए। 12वीं क्लास के रिजल्ट में इन छात्रों के आगे लिखे पहले रिजल्ट और फिर रिवाइज रिजल्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट सिर्फ खानापूर्ति और वाहवाही लूटने के लिए घोषित किया था। आप इन परिणामों को देखिए कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कई छात्र फेल हुए और कुछ रिपेयर, और कुछ छात्रों का अनफेयर मीन यानी एग्जाम के दौरान कोई पर्ची या नकल की गई हो और उनका परिणाम में UFM लिख दिया गया। जब छात्रों ने अपने पेपर की जेरोक्स कॉपी निकलवाई तो पता चला कि उनके नंबरों के साथ हेरा फेरी की गई, यानी टोटल में गड़बड़। एक छात्र की तो बकायदा रिपेयर तक आई, और जब टोटल में गड़बड़ी दिखी तो उसे पास कर दिया गया। एक ही तो डिस्टिंक्शन तक आ गई। ऐसे कई छात्र हैं जो ऐसी लापरवाही का शिकार हुए हैं, और जो UFM में आए बोर्ड ने अपनी गलती में सुधार करते हुए कई छात्रों को पास कर दिया। अब जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जो गरीब हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और आंसर शीट की कॉपी नहीं निकलवा सके होंगे, उनके साथ क्या बीती होगी। बोर्ड की इस कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों को पेपर चेकिंग के लिए नियुक्त किया गया था उन पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि उनकी लापरवाही ने कई बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। पेपर चेकिंग में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें बकायदा चेकिंग के पैसे भी दिए गए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि इस परिणाम में क्या इसलिए लापरवाही हुई क्योंकि बोर्ड की चेयरपर्सन का सारा ध्यान खुद की एक्सटेंशन पर था, और ऐसे में छात्रों के भविष्य से ज्यादा शायद बोर्ड के चेयरपर्सन के भविष्य को संवारना जरूरी था।